हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए, आज का हमारा फिर टॉपिक जो है कि ड्राइंग का है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट टू। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट वन डाला था जिसमें से हम लोगों ने 20 MCQ किया। आज भी हम लोग 20-25 MCQ करेंगे। ठीक है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन का हमने लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और फिर LPCVT 2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आप UP SSSC, DRDO, SSC JEE और जो भी एग्ज़ाम आगे आ रहे हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम, सब में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ITI के जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना सेमेस्टर का, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसमें आज देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निरूपक भिन्न एक अनुपात है जिसकी क्या है, देखिए, जिसकी यूनिट न्यूटन होती है, कोई इकाई नहीं होती है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निरूपक भिन्न का कोई भी इकाई या यूनिट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, निरूपक भिन्न ज्ञात करते समय वस्तु की प्रदर्शित लंबाई तथा वास्तविक लंबाई क्या होती है? एक ही इकाई में होनी चाहिए, अलग अलग इकाई में होनी चाहिए, इकाई में नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, निरूपक भिन्न ज्ञात करते समय वस्तु की प्रदर्शित लंबाई और वास्तविक लंबाई जो कि उसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो एक होनी चाहिए, तभी जो हम किसी निरूपक भिन्न की जो कि हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आइसोमेट्रिक दृश्य में लंबाई का प्रयोग होता है, जो आइसोमेट्रिक दृश्य में जो लंबाई का प्रयोग होता है वो किस वास्तविक दृश्य में, आइसोमेट्रिक दृश्य में, ए और बी दोनों में, काल्पनिक दृश्य में। तो आइसोमेट्रिक दृश्य में जो लंबाई का प्रयोग होता है, ए और दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी वास्तविक दृश्य में और आइसोमेट्रिक दृश्य दोनों में जो है कि लंबाई का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज तल किसके समांतर होता है? क्षैतिज अक्ष के, ऊर्ध्वाधर अक्ष के, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्षैतिज तल की बात होती है तो क्षैतिज तल जो है कि क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है, ये आपको पता होगा, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने फिर आ गया। वस्तु को काटने वाला तल जो काल्पनिक होता है, यानी वस्तु को जब हम काटते हैं उसको सेक्शन में, तो वो जो काल्पनिक तल होता है वो क्या होता है? समतल होता है, सेक्शन तल होता है, कटिंग प्लेन होता है, बी और सी। तो जो काटने वाला तल होता है जिस पे कटिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कटिंग प्लेन कहते हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, SSC JEE के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर हमारे अगला क्वेश्चन आ गया है, 14 नंबर। फ्रेंच वक्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ये नंबरिंग मत देखिए, उस नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रेंच वक्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सरल रेखा बनाने में, नियमित वक्र बनाने में, अनियमित वक्र बनाने में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंच वक्र होता है जो इस तरीके से ये वक्र हम खींचते हैं कहीं भी, वक्र या कर्व की जो बात होती है, तो ये इरेगुलर यानी अनियमित वक्र बनाने में फ्रेंच वक्र का प्रयोग किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो सामने है। मिनी ड्राफ्टर में पैमाने कितने डिग्री के कोण पर लगे होते हैं? तो मिनी पैमाना स्केल जो है कितने डिग्री का, तो जो मिनी ड्राफ्टर होता है उसमें स्केल इस तरीके से लगा होता है, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, तो ये 90 डिग्री पर लगा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 डिग्री पर मिनी ड्राफ्टर में पैमाने लगे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोटी रेखा की मोटाई कितनी होती है? तो मोटी रेखा जो होती है यानी थिक लाइन की जो बात करें, तो थिक लाइन जो है कि 1.0 mm यानी 1 mm उसकी मोटाई होती है थिक लाइन की। रेखाएं तीन प्रकार की मुख्यतः होती हैं, एक थिक लाइन, थिन लाइन और मीडियम लाइन। जो थिक लाइन यानी मोटी रेखा होती है वो 1 mm की होती है, और मीडियम जो होती है वो 0.5 mm की होती है, और जो थिन होती है यानी सबसे पतली वो होती है 0.3 mm की। ठीक है, तो मोटी 1 mm की, मीडियम 0.5 की और थिन 0.3 की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वस्तु की बीमाओं के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? उसकी बीमा लिखने के लिए जो हम लिखते हैं, तो कौन सी रेखा से हम उसको दर्शाते हैं, तो वो होती है पतली यानी थिन रेखा, इस तरीके से। और यहाँ पर थिन रेखा का प्रयोग किया जाता है वस्तु की बीमा के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी इकाई के भाग या उपभाग दर्शाने के लिए निर्मित करनी पड़ती है, किसी इकाई के भाग या उपभाग यानी उसके भाग और उपभाग दोनों को, जो मेन पार्ट और दूसरा उसका सब पार्ट होता है, उसको उसके लिए साधारण स्केल का, विकर्ण स्केल का, विशिष्ट स्केल का, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो उसके लिए हम जो है कि विकर्ण यानी डायगोनल स्केल का हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम लोग ड्राइंग में करते आए हैं। ड्राइंग आपने पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे किया होगा इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, दो इकाइयों की स्केल प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। विकर्ण स्केल, तुलनात्मक स्केल, साधारण स्केल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो इकाइयों की स्केल प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो तुलनात्मक स्केल प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रक्षेप में वस्तु को किस चतुर्थांश में रखकर बनाया जाता है। प्रथम एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को किस चतुर्थांश में रखकर बनाया जाता है। तो प्रथम और तृतीय कोणीय प्रक्षेप के लिए हम प्रथम और तृतीय में ही रखकर बनाएंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में साइड व्यू को किस ओर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर कोई रखा है तो फ्रंट व्यू तो हम इधर से देखेंगे राइट साइड से, लेकिन जो इसका साइड व्यू देखेंगे ये लेफ्ट साइड से, ठीक है, नहीं बाईं ओर से, ठीक है, समझ गए आप। एक बार और दिखा, देखिए ये आपका बना हुआ है प्रथम कोणीय प्रक्षेप, यानी फर्स्ट एंगल की बात हो रही है, तो फर्स्ट एंगल में ये वस्तु रखी हुई है, तो इसका जब हम फ्रंट व्यू कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे फ्रंट व्यू, लेकिन साइड व्यू तो ये बगल में है, तो इसको देखने के लिए हम इधर से देखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या साइड व्यू इसका, हाँ, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से हम इसका साइड व्यू देखेंगे, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक परिच्छेदन रेखा से दूसरी परिच्छेदन रेखा के बीच कितनी दूरी होती है, यानी जो कटिंग रेखा होती है जो आप हम इस तरीके से करते हैं, इसके बीच की जो दूरी पूछ रहा है, तो ये होती है 1 mm से 2 mm तक रखी जाती है, एक परिच्छेदन रेखा से दूसरी परिच्छेदन रेखा के बीच की दूरी 1 mm से 2 mm तक रखी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, दो फ्लेंज पाइपों को जोड़ने में किस प्रकार के पाइप जोड़ का प्रयोग किया जाता है। जब हम दो फ्लेंज पाइप को जोड़ते हैं तो उसमें जिस ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग यूनियन पाइप ज्वाइंट, ठीक है, दो फ्लेंज पाइपों को जोड़ने में हम जो कि यूनियन पाइप ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का प्रयोग करके कितने गुणांक के कोण बनाए जा सकते हैं। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग करके हम 15 डिग्री तक के कोण बना सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है। अब स्क्रीन पर हमारे जो कि अगला क्वेश्चन है, विकर्णी पैमाने द्वारा पढ़ी जाती है। तो विकर्ण जो पैमाने होते हैं डायगोनल स्केल के द्वारा क्या पढ़ते हैं, तो तीनों बीमाएं हम इसके द्वारा जो कि हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, पार्ट वन में भी पार्ट टू में भी ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, जब वस्तु की कटिंग प्लेन को वांछित भागों की तरफ घुमाकर प्रक्षेप प्राप्त होते हैं तो सेक्शन क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो कटिंग प्लेन पर जो जिधर हम चाहते हैं उसके भागों को हम घुमा कर प्रक्षेप जो प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, संरेखी यानी एक ही रेखा में, ठीक है, संरेखी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिंग प्लेन द्वारा किसी वस्तु को मध्य से काटकर दो बराबर भागों में बांटकर अलग कर दिया जाए तो कटे भाग का प्राप्त प्रक्षेप को क्या कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर आपके सामने कोई वस्तु बनी हुई है, ये कटिंग यहाँ से काट करके अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो इसको हम कहेंगे फुल सेक्शन, यानी पूरा कट गया। लेकिन अगर हम इसको पूरा नहीं काट करके केवल आधा इतना निकालते हैं इसमें से, पूरा नहीं काटते हैं, तो इसको कहते हैं हाफ सेक्शन। तो इसने बात यहाँ पर की है कि फुल मतलब पूरा काट दिया गया, यहाँ पर इसमें क्या बात की है, कटे भाग देखिए बांट कर अलग कर दिया, यानी पूरा अलग कर दिया, दो बराबर भाग में बांट दिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये फुल सेक्शन है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, दो फ्लेंजों, तो जो यहाँ पे दिया है कि दो फ्लेंजों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दो फ्लेंज को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए ये फ्लेंज होता है, फ्लेंज जान लीजिए कैसा होता है, तो इसमें जो है कि यहाँ पर नट बोल्ट लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी होती है सर्कल आकार में, इन दोनों को आपस में हम जो है कि लगा करके आपस में हम सटा करके ये बोल्ट से इसको हम टाइट कर देते हैं, बोल्ट लगा देते हैं, तो ये दोनों फ्लेंज आपस में जुड़ जाते हैं। तो दो फ्लेंजों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चारों चतुर्थांशों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो चारों चतुर्थांशों का जो संयुक्त रूप होता है उसको हम कहते हैं द्वितल, द्वितल यानी दो तल की बात हो रही है, तो चारों चतुर्थांशों का संयुक्त रूप जब मिला देंगे तो उसको हम लोग द्वितल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स करीब करीब हमने 20-22 क्वेश्चन कर लिया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी इसका लेके आएंगे, पार्ट वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।